हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट स्ट्रॉन्गर। माय नेम इज सैफ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना कार्डियो करना चाहिए फैट लॉस करने के लिए। हो सकता है अभी आप बहुत कम कार्डियो कर रहे हो या फिर आप कार्डियो भी कर रहे हो, साथ में आप बहुत अच्छा डाइट भी ले रहे हो, तब भी आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो। आप प्लेटो हिट कर दे रहे हो, बार बार आपका वेट कोई पॉइंट पर आकर रुक जा रहा है, उससे फर्दर आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कितना कार्डियो करना चाहिए फैट लॉस करने के लिए, या फिर आप अगर प्लेटो हिट कर रहे हो बार बार तो क्यों प्लेटो हिट कर रहे हो, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कौन सा फॉर्म ऑफ कार्डियो आपको ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा प्रेफर होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है फैट लॉस का, वो आपको ये समझना होगा कि फैट लॉस के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलरी से कम कैलरीज खाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलरीज 2500 है तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में अपने डाइट के 400 से 500 कैलरी का एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है कि हम प्लेट्यू क्यों हिट कर देते हैं जब भी हम फैट लॉस करते हैं। तो जब भी हम फैट लॉस करते हैं और हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कार्डियो को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कार्डियो करना स्टार्ट करते हैं, तो कार्डियो से तो हम कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, कार्डियो से हम अच्छी खासी कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी हमारे नीड को कम कर देती है। नीड को आपको समझना होगा कि नीड एक्चुअली होता क्या है। नीड का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जो हम दिन में कर रहे हैं जिसका एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है, बट तब भी हम अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं। जैसे कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं लोगों से, तो ये सब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में आ गया। वैसे खाना खाने से जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में भी कैलरीज लूज होता है। हम जैसे जितना खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी कैलरी लूज करती है, वो सब विच इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि खाना जब हम खा रहे हैं, जैसे कि हाथ से खा रहे हैं या फिर ऐसे हाथ को हिला रहे हैं, ये सब एक्टिविटी, ये सब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है। जैसे कि मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है, मैं अभी चल रहा हूँ तो ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है। तो जब हम कार्डियो को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो हमारी बॉडी नीड को कम कर देती है। आपने देखा होगा, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा और ये चीज़ रिसर्चेज में भी प्रूव्ड है कि आप जब कार्डियो करना स्टार्ट करते हो, आप कार्डियो करते हो तो दिन भर आप बहुत लेजी फील करते हो। आप फैट लॉस डाइट में हो, आप अच्छे डेफिसिट डाइट में हो, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, आप साथ में कार्डियो कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप दिन भर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे रहते हो, ज़्यादा आप मूव नहीं करते हो अपने बॉडी को। आपने जाने अनजाने में ऐसा किया होगा, बॉडी आपकी ज़्यादा मूव नहीं करती है, स्पेशली जब आप फैट लॉस डाइट में होते हो। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है और ये चीज़ रिसर्च में भी प्रूव देखा गया है कि ऐसा होता है। सो दिस इज़ द रीज़न आप प्लेटो हिट कर देते हो, आप कार्डियो भी सही कर रहे हो, आप एक अच्छी फैट लॉस डाइट ले रहे हो, तब भी आप फैट लूज नहीं कर पाते हो। बिकॉज इसका रीज़न यही है कि आपके बॉडी, आप जितना कैलोरीज लूज कर रहे हो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके दिन भर की एक्टिविटी को आपकी बॉडी खुद ब खुद कम कर देती है। आपकी बॉडी बहुत चलाक है, आपकी बॉडी हमेशा चाहती है कि वो फैट लॉस नहीं करे। आपको उसे शॉक देते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तब आप जाकर फैट लॉस कर पाओगे। फैट लॉस करना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो इसे हम टैकल कैसे कर सकते हैं? तो इसको टैकल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप दिन भर में वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। आप जब भी देखो कि आप बहुत देर तक बैठे रह जा रहे हो, आप उठो और वॉक करना स्टार्ट कर दो। आप घर पे भी, आप कोई वर्क कर रहे हो, आप ऑनलाइन मीटिंग में हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप तुरंत थोड़ा सा जब भी आपको मौका मिले आप उठ के वॉक करना स्टार्ट कर दो। तो ये सब तरीका है जिसे आप अपने नीड को इंक्रीज कर सकते हो, जो आपको ओवरऑल रिजल्ट में आपको अच्छा फैट लॉस करा के देगा। नीड पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कार्डियो के साथ। कार्डियो तो आपको करना ही है जितना आपको रिक्वायर्ड है, बट उसके साथ साथ आपको अपने नीड पे भी फोकस करना है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग पूछते हैं बार बार कि मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएं, मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने नीड पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। स्पेशली अगर आप एक डेस्क जॉब करते हो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। अब हम आते हैं कि अब कार्डियो कितना करें। तो कार्डियो कितना करें, इसका अगर मैं आंसर आपको देना चाहूँ तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप अपने कार्डियो को हमेशा प्रोग्रेसिव रखें। जैसे जैसे आप डाइट में डीप डाउन चले जा रहे हो, ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, वैसे वैसे आपको अपने कार्डियो को भी प्रोग्रेस करते रहना है। आपकी बॉडी, मैंने जैसा बोला पहले ही कि आपकी बॉडी बहुत चलाक है, आपकी बॉडी तुरंत कंपनसेट करने लग जाएगी दूसरे तरीकों से ताकि आपका फैट लॉस ना हो पाए। इसलिए आपको हमेशा अपने कार्डियो को प्रोग्रेसिव रखना है।
मैंने भी ये एक्सपीरियंस हमेशा किया है कि जब भी आप कार्डियो को प्रोग्रेसिव करोगे आप फैट लॉस कर पाओगे, साथ में आप नीट पे भी ध्यान दो अपने। सो फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग और वो एक बिगनर है और उसका कोई ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं रहा है, फॉर हिम और हर आई वुड रिकमेंड कि वो 15 से 20 मिनट का कार्डियो, 15 से 20 मिनट का लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करना स्टार्ट करें। एंड फिर जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि आपका कार्डियो हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो आप प्रोग्रेस करके इसे 40 टू 45 मिनट्स तक ले जा सकते हो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसे ज़्यादा अपने कार्डियो को ले जाओ। यहाँ पर लो इंटेंसिटी कार्डियो का मतलब ये है कि आप अपने जिम में ट्रेडमिल पर इंक्लाइन वॉक कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो अपने जिम में, आप बाहर हल्का लाइट जॉगिंग कर सकते हो, ये सब आप प्रेफर कर सकते हो लो इंटेंसिटी कार्डियो में करना। हाई इंटेंसिटी कार्डियो आई वुड नॉट रिकमेंड कि बिगनर ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करे। आप अगर बिगनर हो तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो को 1 से 2 दिन रखो हफ्ते में, और सभी दिन आप लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने रेस्ट डेज पे भी, जिस दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो उस दिन भी आप लो इंटेंसिटी कार्डियोस कर सकते हो। एंड फॉर समवन जो थोड़ा एडवांस है या फिर इंटरमीडिएट है, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो 25 से 30 मिनट का कार्डियो रखे और वो भी 40 टू 45 मिनट्स तक ले जाए अपने कार्डियो को, जैसे जैसे वो अपने डाइट पे डीप डाउन जाता जा रहा है और उसकी बॉडी प्लेटियो हिट कर रही है तो वो अपने कार्डियो को और भी इंक्रीज करता चले जाए। वही बात है कि आपको अपने कार्डियो को प्रोग्रेसिव करना चाहिए, ये एक थंब रूल होना चाहिए आपके फैट लॉस के लिए, और आपको अपने नीट पे भी फोकस करना है जैसे कि मैंने बताया है अभी। एंड इंटरमीडियंट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो हाई इंटेंसिटी कार्डियो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखे हफ्ते में, वो लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी कार्डियोस का कॉम्बिनेशन रखे। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज हाई इंटेंसिटी कार्डियो से फिर आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से आपके ट्रेनिंग रूटीन भी हार्म हो सकती है, या फिर वेट ट्रेनिंग को सही से फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसी रीज़न से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप अपने हाई इंटेंसिटी कार्डियो को ज़्यादा ना रखें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपको कौन सा फॉर्म ऑफ कार्डियो करना चाहिए। सो दिस शुड बी योर पर्सनल चॉइस। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई डोंट लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, आई प्रेफर कि मैं सुबह सुबह जाकर जॉगिंग करूँ, नेचर के साथ जॉगिंग करूँ, एंड दैट वर्क्स फॉर मी। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो चीज़, वो फॉर्म ऑफ कार्डियो को हमेशा प्रेफरेंस दें। आपको हो सकता है कि क्रिकेट खेलना पसंद हो, आपको हो सकता है कि फुटबॉल खेलना पसंद हो, तो ये सब भी एक फॉर्म ऑफ कार्डियो है, आप ये सब भी कर सकते हो। आपका कोई भी पर्सनल चॉइस हो सकता है, हो सकता है आपको साइकिलिंग करना पसंद हो, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफर चॉइस ऑफ कार्डियो। कार्डियो मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मैं यूजुअली ये रिकमेंड करूँगा कि आप हेडफोन्स लगा लो, आप अपने फेवरेट म्यूजिक प्ले कर लो, फेवरेट पॉडकास्ट प्ले कर लो और इन्जॉइंगली अपना कार्डियो करो। बोरिंग नहीं बनाना है आपको अपने कार्डियो को, बिकॉज पता है कि कार्डियो अगर एक बार बोरिंग बन जाएगा फिर आपको कभी करने का मन नहीं करेगा। HIIT भी आप कर रहे हो तो आप हेडफोन्स लगा लो, आप थोड़ा इन्जॉय करो, डिफरेंट काइंड ऑफ HIIT का देखने का प्रेफर करो। आप जाओ देखो नेट पे भी बहुत सारे HIIT वर्कआउट्स मिल जाएंगे आपको, आप वो सब भी जाके कर सकते हो। सो होप गाइज आपको आपका डाउट क्लियर होगा कि आपको कार्डियो कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन से फॉर्म ऑफ कार्डियो को आपको प्रेफर करना चाहिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।